नमस्कार, आप खबर सिद्धार्थनगर से। जिले में आज रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया, जिसकी अगुवाई करते हुए दिनेश चंद्र मिश्रा ने कहा है कि लंबी दूरी तय करके रात में वापस लौट रहे पचालकों को कैश जमा कराने के लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय अधिकारी गोरखपुर से आते हैं जिनको आने में समय लग जाता है। तब तक परिचालक सुबह होने का इंतजार करते रहते हैं और भारी कैश को लेकर घूमते रहते हैं, जिसको जमा करने के लिए रोडवेज पर कोई सुविधा नहीं है, ना ही नल, बिजली और अन्य सुविधा यहां उपलब्ध है। वाटरफॉल के चलते रोडवेज भवन में पानी भर जाता है, दीवारों पर सीलन आ जाती है, जिसमें बिजली उतरने का खतरा रहता है। कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? परिचालकों के पास कैश रहता है, जिसको अपनी जिम्मेदारी पर जान जोखिम में डालकर घूमते हैं। कहीं कोई हादसा होने पर जिम्मेदार कौन होगा? इन सभी समस्याओं की शिकायत उच्च अधिकारी से की गई है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस विषय पर प्रभारी अधिकारी सिद्धार्थनगर से पूछने पर कोई भी संतोषजनक जवाब ना देते हुए कहा कि समस्या है तो उसका निस्तारण किया जाएगा, पानी दीवारों पर आ रहा है, सही कराया जाएगा। सिद्धार्थनगर से चैनल लाइव के लिए श्याम सुंदर शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट।